इसी वर्ष 26 जनवरी जब पूरा देश गणराज्य को हम सेलिब्रेट करते हैं, उस समय भी हमारे राष्ट्रपति भवन के जो अधिकारी थे उन्होंने एक बात हमारे सामने रखी और कहा कि उस दिन 26 जनवरी के दिन दिल्ली में जो राजपथ है वहाँ पर देश के विभिन्न प्रदेशों की सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन होता है। और एक मेरे सामने सुझाव आया कि क्या आप चाहेंगे कि किसी प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषा का प्रतीकात्मक यदि उपयोग करें तो बहुत अच्छा। तो मैंने कहा कि मेरे लिए तो हर प्रदेश राष्ट्रपति के रूप में मेरे लिए हर प्रदेश बराबर है, हर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत बराबर है, मैं कैसे उसमें भेदभाव कर सकता हूँ। लेकिन फिर ये बात उसके प्रत्युत्तर में आई कि आखिर कहीं ना कहीं जब आप पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक प्रदेश का भी एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करना हो तो कैसा रहे। तो मैंने कहा यदि इस प्रकार की बात है तो सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश को मैं चूज कर। और आप लोगों ने देखा होगा जो सम्मान को उसको हमारे अधिकारियों ने कहा कि जब आप प्रतीकात्मक वेशभूषा पहनते हैं उसका अभिप्राय ये होता है कि उस प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का आप सम्मान कर रहे हैं, वहां के लोगों का सम्मान।